8 बज चुके हैं, कैंप लग गया, स्पेशली ये छोटी सी लालटेन। और अभी हम 15 दिन से 20 दिन के बीच हिमाचल में ही हैं, हिमाचल में घूमेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ घूमते रहिए। चलिए तो फिर चलते हैं हाटू पीक। एक फुल ऑफ एडवेंचर और एक्सट्रीम 6 किलोमीटर ड्राइव के बाद आ चुके हैं हम हाटू पीक। हाटू पीक की ये पीछे वाली पार्किंग है, ये इसके जस्ट आगे है छोटी वाली पार्किंग जो यूजुअली सभी लोग देखते हैं, इससे थोड़ा कम लोग देख पाते हैं। कैंपिंग लिए बहुत अच्छा स्पॉट है और यहाँ सेम टर्म्स हैं कि यहाँ बोन फायर किया जाता है, कैंपिंग की जाती है, काफ़ी जगह 1, 2, 3, 4, 5 जगह स्पॉट हैं। और हम आज रात यहीं रुकने वाले हैं, बट फिलहाल सबसे पहले कल रात की नींद की कमी को पूरा करने के लिए 2 घंटे सोना बनता है। 1-2 घंटे सोएंगे, उसके बाद मंदिर चलेंगे, देन उसके बाद आके देखेंगे क्या करना है। डेढ़ घंटे की नींद मार के बहुत तेज नींद आई, एकदम बेहोश हो गए हम लोग, फ्रेश हो गए एकदम ही, नींद कितनी तेज आई थी। हाँ, अब जा रहे हैं मंदिर, लौट के कैंप सेटअप करेंगे। यहाँ गाड़ी तो काफ़ी है, बट शाम होगी तो फिर हम अकेले होंगे। यहाँ पे भी बॉनफायर कर सकते हैं। मंदिर तो है ही बहुत खूबसूरत, मंदिर के सामने जो जो व्यूज हैं, और उधर उनका कोई जवाब नहीं, 360 व्यूज एकदम ही। अब कैमरा पता नहीं कितना रिकॉर्ड कर पाएगा, कल सुबह सुबह दिखेंगे, सुबह हाँ मॉर्निंग में दिखेंगे शायद। कल्पा किन्नौर से जो माउंटेन्स दिखते हैं, सारे माउंटेन्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कैंपिंग करेंगे और आज हम यहाँ रुकेंगे, ये हमारी कैंपिंग साइट है। टुनाइट दिस इज अवर होम, स्वीट होम। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि सुबह है जब हम जगेंगे तो हमें यहाँ से सनराइज दिखेगा और ये व्यू, ये वैली, और शाम को जब हम अपना कैंप लगा रहे होंगे तो यहाँ इस वैली में दिखेगा हमें सनसेट। चलो अब जल्दी फटाफट सामान लाना है, एक गाड़ी उसी पार्किंग में खड़ी है, पहले यहाँ नीचे तक आ जाती थी गाड़ी, इधर नीचे तक बिल्कुल, अब वो मंदिर पे गेट लग गया तो वहीं रह जाती है पार्किंग में। चले ओके, सामान लेके आते हैं, बाय बाय। अब इस एरिया के सबसे ऊंची लोकेशन पर जाते हैं, हाटू पीक। ओह माय गॉड, वैली देखो, ब्यूटीफुल। लास्ट टाइम जब आए थे तो मॉर्निंग थी, सुबह सबसे पहले हम ही लोग आए, तब कुछ अलग ही नज़ारा था, सूरज इस तरफ ना होके उस तरफ था। वाह, दिस इज हाईएस्ट पीक, 360 व्यू, टू पीक।
मैया की नौबत। ओम शांति शांति सर्वारी सुशांति रवदम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। टाइम हो रहा है 7:45 और यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है। बस एक बारीक सी रेड लाइन रह गई है सनसेट की। गोप्रो ले पाएगा उसे? मुश्किल है। तो अभी 6:30 बजे आरती अटेंड करी, मज़ा आ गया एकदम ही। मतलब ट्रैवलिंग करके जितना अच्छा लगता है उतना ही पावन और मन शांति हुई आरती अटेंड करके। यहाँ हम सिर्फ 4 लोग हैं, मैं, दीदी और 2 पंडित जी। अच्छा पंडित जी और पंडित जी के सहयोगी हैं। पूरी पोशाक में हिमाचली टोपी लगा के पंडित जी ने पूरा अच्छे से एकदम आरती करी। कल सुबह की भी आरती अटेंड करेंगे। और हमसे सनसेट आज मिस हो गया, अपना सामान निकालते करते मेरे भूल गए। और सनसेट पूरा सनसेट हो गया। अब कल सुबह सनराइज़ का देखेंगे, सनराइज़ रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है। झंडे दिखाना, झंडे दीदी मैंने सब देखो, झंडे देखो। पता नहीं अभी बस कैंप लगाते लगाते ही कैंप पूरा भीग गया उससे। रात को क्या होगा पता नहीं है। गाड़ी का नहीं अभी नहीं लग रही ठंड। गाड़ी का तिरपाल है उसे डाल लेंगे उसके ऊपर से, तो फिर शायद कोई इशू ना आए, उससे बच जाएं। तो अभी चलते हैं फिर टेंट में, ठीक है। 8 बज चुके हैं, कैंप लग गया। स्पेशली ये छोटी सी लालटेन काफ़ी ढूंढने के बाद मिली थी मुझे। झालर लगाइए, थोड़ा सा लाइट बनी रहे क्योंकि यहाँ गुप्त अंधेरा है। अगर अभी लाइट बंद कर दूंगा तो मुझे नहीं दिखा कि दीदी कहाँ खड़ी है। और झींगुर की आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है सन 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 सन। और ये जो झालर जल रही है ना, इस झालर से 1000 times मिलियंस टाइम्स झालर नीचे वैली में चल रही है। पूरा नारकंडा और जो गांव है वो दिखेंगे तो नहीं, मैं इसलिए कैमरा भी मोड़ नहीं रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। हर उस तरफ भी बहुत अच्छी सुंदर वैली है, इस तरफ भी वैली है, पूरी बसावट है वैली में। एकदम ऐसा लग रहा है कि आसमान में तारे ना होंगे, ज़मीन में तारे दिख रहे हैं। और बहुत ठंडी हवा चल रही है, एकदम ही कतल हवा है। टेम्परेचर देख के बताता हूँ टेम्परेचर क्या है। रात के 9 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 9। दोनों 9 ही 9 है। ये रहा। कैसे अच्छा है। और रात को होने वाला है 4, तो ठंड अच्छी खासी है। गाजियाबाद में बहुत गर्मी थी, एसी चलाना पड़ रहा था 25 पे 24 पे। और यहाँ पे कैप लग गई, इतने सारे स्वेटर पहन लिए, जैकेट पहन ली, ऊपर से कंबल डला हुआ है, फिर भी ठंड लग रही है। कांप रही हूँ मैं तो बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है कि ये ओपन स्पेस में टेंट है। एक साइड तो चलो वॉल हमें साइड में बिल्डिंग मिल गई है, पर हमारी 3 साइड खुली हुई है। तो जिस साइड से मेन हवा आ रही है वो तो पूरा ही टेंट भीगा हुआ है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, वो वॉल पूरी भीगी हुई है, ये देखो। और ये भीगती जा रही है। और इतना मॉइस्चर था कि टेंट लगाते लगाते ही टेंट भीगने लग गया, सामान भीगने लग गया, सारा मॉइस्चर पकड़ गया पूरा। हाँ, उसकी बूंदें जम गई। वो तो है कि सब डबल कवरिंग में था तो बच गया, ऊपर के कवर भीग गए, अंदर का सामान बच गया। और अभी तक आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें कि आपको कैसा लग रहा है। और कुछ अगर सजेशंस हैं आपके पास तो हमें दीजिए, हम जरूर उस बारे में सोचेंगे और कुछ चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अब कल सुबह मिलते हैं। अब सुबह मिलते हैं, सुबह तो अभी हाटू पिक पे मिलेंगे, अब कल शाम को कहाँ होंगे ये पता नहीं है। हाँ, तो अभी सुबह मिलते हैं हाटू पिक पे अर्ली मॉर्निंग सनराइज के साथ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जो सब्सक्राइब करेंगे वो उनके लिए चीनी। उनका मुंह मीठा भी करवाना है भाई। और जो लाइक करेंगे उनके लिए चीनी। ऐसे तो पूरी शीशी खाली कर देगा।